देखो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या चीज़ है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर के अंदर जैसे हम बोलते हैं कि यार ये बंदा बड़ा सेंसिटिव है, छोटी सी बात कह दो यार दिल पे लगा लेता है, बस यही है। तो गैल्वेनोमीटर हम क्या चाहते हैं, सेंसिटिव हो, छोटे से करंट को मेजर करके हमें डिफ्लेक्शन शो करते हैं, उतना ही बढ़िया गैल्वेनोमीटर है। पता लगे आपने छोटा सा करंट भेजा, वो कहते हैं छोड़ यार, कॉयल कहती है छोड़ कौन घूमेगी, करंट जीरो, ऐसा थोड़ा ना होगा यार। इतना सा करंट भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे ये आप चाहते हो, तो आप चाहते हो कि गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बने। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का मतलब है गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन, बहुत स्केल डिफ्लेक्शन शो करे, टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस करे, इवन व्हेन अ स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट, इवन अगर छोटा सा भी करंट अगर पास कर दिया जाए तो भी हाई डिफ्लेक्शन शो करे और स्मॉल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। क्लियर है यहां तक? अब इसके अंदर दो किस्म की सेंसिटिविटीज हैं। पहली सेंसिटिविटी है करंट सेंसिटिविटी और दूसरी सेंसिटिविटी है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? करंट सेंसिटिविटी है, इट इज डिफाइंड एज ए डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट फ्लोस थ्रू इट। देखो थ्योरेटिकली मतलब तो ये है कि छोटे से छोटा करंट को मेजर अगर कोई कर सके गैल्वेनोमीटर तो उसकी करंट सेंसिटिविटी हाई है, लेकिन मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेशन करने का तरीका है आई एस का मतलब करंट सेंसिटिविटी, एल्फा बाय आई आपकी डिफ्लेक्शन कितनी हुई, मतलब आपका वो एंगल कितना कवर करेगा, वो कॉइल कितना एंगल घूमेगी, डिवाइडेड बाय कितना आपने करंट उसमें भेजा, तो एल्फा बाय आई। अब आपको ऊपर से ये पता है कि एल्फा बाय आई इसका रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि आई बाय एल्फा तो निकाल चुके फिगर ऑफ मेरिट, तो इसका उल्टा क्या होगा, एन बी आई बाय के। तो यानी कि करंट सेंसिटिविटी इज एन बी ए अपॉन के। तो प्लीज अपने फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला एन बी ए बाय के, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एल्फा बाय आई, ये भी चेक करो एल्फा बाय आई करंट सेंसिटिविटी। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट, करंट सेंसिटिविटी को लिखा कैसे जाता है? कभी कभी लिखा जाता है एल्फा का मतलब एंगल, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, रेडियंस पर यूनिट एम्पियर, ये पहले इसके यूनिट हैं, ऐसा भी यूज कर सकता है। दूसरा, रेडियन नहीं यूज करना कोई बात नहीं, डिग्री कर लो, डिग्री पर एम्पियर, भी कितने डिग्री घुमा पर एम्पियर, एल्फा एंगल है, दूसरे यूनिट है। तीसरे, हम क्या करते हैं, यहां जो मीटर लगा होता है वो यहां पर डिविजन होती हैं गैल्वेनोमीटर में, तो जितनी डिविजन कवर करेगा एल्फा उतना बड़ा होगा, तो कभी कभी इसके यूनिट होते हैं नंबर ऑफ डिविजन्स, डिविजन्स पर एम्पियर या पर माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर, कुछ भी तीनों इसके यूनिट्स हैं, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पहचान में नहीं आएगी कौन सी सेंसिटिविटी है। तो या डिग्री बाय एम्पियर या फिर रेडियंस बाय एम्पियर या फिर डिविजन बाय एम्पियर, ज्यादातर बुक्स ये यूज करती हैं और लोगों को आदत है एल्फा बाय आई को रेडियंस या डिग्री पर एम्पियर में देखने की, तो ये भी करंट सेंसिटिविटी है। क्लियर? ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक, अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी है मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज कितना डिफ्लेक्शन हुआ एल्फा डिवाइडेड बाय कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने गैल्वेनोमीटर के क्रॉस डेवलप किया। एल्फा बाय आई करंट सेंसिटिविटी, एल्फा बाय वी वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वी क्या होता है, ओम लॉ से आई इंटू आर। तो ओम लॉ में आई का मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट, आर का मतलब गैल्वेनोमीटर की वायर्स की रेजिस्टेंस, तो आई इंटू आर। पर एल्फा बाय आई क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी, और करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, एन बी आई बाय के। तो लिखो यहां पर लिख सकते हैं करंट सेंसिटिविटी बाय आर, तो फॉर्मूला लिखो वोल्टेज सेंसिटिविटी का, पहला फॉर्मूला ये लिखो एल्फा बाय वी, दूसरा फॉर्मूला ये और तीसरा ये, तीनों के तीनों आप प्लीज नोट करें वोल्टेज सेंसिटिविटी।
ठीक है यहाँ तक। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसके यूनिट्स क्या होंगे मालूम है? इसके यूनिट्स या तो होंगे डिग्री पर वोल्ट, या फिर होगा रेडियंस पर वोल्ट, या फिर क्या होगा डिवीजन्स, डिवीजन्स पर वोल्ट, तीनों में से कुछ भी।